जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और ऑब्जेक्टिव पूरा आपको मिलते जा रहा होगा टाइम टू टाइम। और अगर नहीं मिल रहा है किसी को, बाय द वे ये पहली बार आपको दिखाई दे रहा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ये वीडियो आपके पास पहली बार पहुँचा है तो। और ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जो कि हम कल बताए थे, आज क्वेश्चन नंबर 8 है। आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, आज आधे घंटा के आधा घंटा से भी कम का वीडियो रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ काम है या कहो कि ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो हमको लगा चलो कुछ तो आज के लिए बता दें। क्या था 7 नंबर क्वेश्चन में, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 है त्रिभुज ए बी सी में क्या पूछ रहा है, बी प्लस सी इंटू कॉस ए प्लस सी प्लस ए इंटू कॉस बी प्लस ए प्लस बी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे हम कुछ फार्मूला लिखेंगे, शायद पहले बताए भी हों, अगर नहीं बताए हों तो अभी हम लिख देते हैं, बताए होंगे लेकिन गारंटी के साथ नहीं कर सकते, तो लिख देते हैं a बराबर बी प्लस सी, समझने के लिए इसे लिख रहे हैं, या फिर b बराबर सी प्लस ए, या फिर c बराबर तो इधर a प्लस बी, इस तरह से जानबूझ के लिखे हम समझने के लिए, मतलब हम नहीं समझेंगे आपको समझ में आ जाए इसलिए ऐसे लिखा गया है, कि अगर उस तरफ a लिखते हैं तो इस तरफ b और c लिखेंगे, या फिर उधर b लिखते हैं तो इधर c और a लिखेंगे। अब होगा क्या वो ध्यान देना है, कि अगर a है और यहाँ b c, तो अगर b है तो इसका मतलब है इसके साथ में cos c, और अगर इधर cos c है, सॉरी c है, तो इसका मतलब cos b, क्योंकि a तो इधर a का जिक्र नहीं, b अगर लिखे हैं तो यहाँ पर इसके साथ में हो जाएगा cos a, और अगर हम a लिखे हैं तो इसके साथ में हो जाएगा cos b। फिर ये बात अगर कहें कि a बराबर लिखिए तो हो जाएगा cos, यहाँ देखना b है तो b, अब b के साथ में हो जाएगा cos a। फिर से रही बात वही, हमेशा की तरह से इसको प्रूफ कर दीजिए, तो प्रूफ करना मेरे लिए बाएं हाथ के सबसे कानी उंगली छोटी उंगली का खेल है, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रूफ ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत है कि आप इसको याद रखिए, यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हम। अभी इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले, यही मेन बात, लिख लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे, छोड़ो नहीं मिटाते, रहने देते, नीचे बनाते, मिटाते नहीं, मूड तो था कि मिटाते लेकिन नहीं मिटाएंगे, बी से गुना करते हैं, मिटाएंगे नहीं हम, बी से गुना करते तो बी गुने कॉस ए साबित कर देंगे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी छोटी बहन, हम प्रूफ कर देंगे, जो भी हो, भतीजा वाला जो भी हो, बड़े भैया जो भी हो, हम प्रूफ कर देंगे, अकबकाइए नहीं। अभी मेरा मुद्दा ये नहीं है कि हम इसको प्रूफ करें, छोटा छोटा चीज़ भी प्रूफ करना इतना ज़रूरी नहीं मेरे लिए, आप अपने से भी चाहें तो साबित कर सकते हैं, हिंट बता देते हैं, यहाँ पे के गुने साइन सी, के गुने साइन बी लिखना, और यहाँ पे के गुने साइन बी लिखना, साइन सी लिखना, फिर फॉर्मूला बनेगा साइन बी प्लस सी के, साइन बी प्लस सी के, हम प्रूफ कर देंगे, हम बार बार, चलो ये पूरा बताने के बाद में हम पूरा आपको प्रॉमिस करते हैं कि आज के क्लास के बाद जो कल आपको क्लास मिलेगा या तो हम उसमें प्रूफ कर देंगे, या तो हो सकता है आज ही क्लास अंतिम होते होते हम इसको प्रूफ कर देंगे, आपसे पक्का प्रॉमिस रहा, वादा रहा, नहीं प्रूफ करेंगे तो बोलिएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल देख लीजिए, क्या पता आज ही साबित कर दें हम अभी ये तुरंत। पहले बता देते हैं बी कॉस ए प्लस में सी कॉस ए, ठीक है, प्लस इधर सी से गुना करो तो हो जाएगा c cos b प्लस
ए से गुना करो तो ए कॉस बी प्लस, अब इसमें ए से गुना कीजिए तो ए कॉस सी, और फिर बी से गुना करो बी कॉस सी। अब इसी तीनों फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, मतलब बताते हैं क्या होगा। मतलब बी और कॉस ए अगर ऐसे देख रहे हैं तो इसी तरह से देखिए, बी और कॉस ए कहीं और मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो समझना कि यहाँ पे कॉस बी हो तो यानी ए हो, मतलब ऐसे टर्म। थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मार्कर चेंज करना होगा, जब मैं आपको बेहतर समझ में आए। बी और ए ये वाला देखिएगा, दोनों जगह अपने आप चेंज करें, बी और ए। तो जैसे यहाँ पे छोटा बी है तो यहाँ पे कोण के जगह पे बी इस्तेमाल हुआ, यहाँ कोण के जगह पे ए था, यहाँ पे भुजा की जगह पे इस्तेमाल हुआ। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रीन मार्कर से जो ऐसे घेर रहे हैं इन दोनों को एक साथ लिखो। लिख देंगे, बाद में जो होगा देखेंगे, पहले लिख देंगे। तो लिखिए देंगे, लिखिए देंगे क्या, लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं बी कॉस ए प्लस में ए कॉस बी, और आपसे पूछेंगे कि इसके जगह पे फिर क्या लिखेंगे, इस जगह पे फिर क्या लिखा है। देखो बी कॉस ए यहाँ है और ए कॉस बी यहाँ है, मतलब इसके जगह पे अगर लिखना भी होगा इस लाइन के बाद में तो सी लिखाएगा। वैसे ही सी और ए है तो इस तरह से ढूंढो कि ए पहले आ जाए, मतलब भुजा बन जाए छोटका ए, और सी एन ए आ जाए इसी तरह से। तो यहाँ मिला, देखो जो सी पहले है भुजा के तरह यहाँ पे कोण के जगह पर, जो ए यहाँ पर कोण के तरह था यहाँ भुजा पे, मतलब ये दोनों को एक साथ में रखें। तो रखो इन दोनों को, इन दोनों को रखने का मतलब है पहले सी कॉस ए और फिर ए कॉस सी, ये दोनों को रखें इन दोनों में, फिर देखेंगे क्या करना है। देखेंगे या देख लेते हैं सी कॉस ए, ए कॉस सी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, गड़बड़ हो गया कहीं, क्या गलती हो गया हमसे, सॉरी माफ़ करना, सी कॉस ए है तो ए कॉस सी हो, माफ़ करना यहाँ पे, यहाँ गलती हो गया कैसे, तो सी कॉस ए और ए कॉस सी मिल गया, ठीक है। और बाकी जो बचा लो उसको रख दीजिए, बाकी जो बचा हुआ है, बाकी जो बचा हुआ है सी कॉस बी प्लस में बी कॉस सी, इतना बचा लो। अब इसके लिए सी लिख दिए तो सी ए के लिए आप सोच सकते हैं, सी ए सी जो भी जिक्र है इसके लिए आप सोच सकते हैं कि बी होगा, सी बी सी के लिए आप ए लिख सकते हैं। मतलब अगर इसी चीज़ को सही से लिखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। रही बात कि आप इसमें से एक वो भी फॉर्मूला प्रूफ कर दीजिए, तो चलिए प्रूफ कर ही देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो मिटाते हैं, एक वो साबित कर देते हैं, बाकी दोनों आप अपने से साबित कर सकते हैं। और साबित कभी कभी इसलिए करना पड़ता है, जब मैं आपको ये नहीं लगे कि हाँ भाई इस मास्टर को या इस टीचर को आता नहीं है, ऐसा आपके मन में ख्याल नहीं आए, क्योंकि एक बार अगर एक घर कर लिया ना यार ये क्या है फालतू है, तो फिर हम कितनों अच्छा से समझाएंगे, आपका माइंड उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हम अपने आप को आपके सामने नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, या ये माइंड में ख्याल भी नहीं आने देना चाहते हैं। चलो साबित करते हैं, पहले आरएचएस से इम्प्रूव करते हैं, एलएचएस आरएचएस, तो चलो आरएचएस लिख देते हैं, राइट हैंड साइड, यहीं से प्रूफ करते हैं। बी के जगह पे आप लिख सकते हैं के गुने साइन बी और इंटू कॉस सी, फिर सी के जगह पे आप लिख सकते हैं के गुने साइन सी इंटू कॉस बी, इतना लिख दिए। फिर के आप कॉमन ले लीजिए, अगर के कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन बी इंटू कॉस सी प्लस में, अच्छा कॉस बी पहले लिख देना है, कॉस बी पहले यही लिख देते हैं,
ये वाला कॉस बी, या फिर लिखते हैं साइन सी। अब इलेवेंथ के कोई त्रिकोणमिति पढ़े और कहे कि हम तो यहू फार्मूला नहीं जानते हैं, तो आप विधाता हैं कि आप ये फार्मूला नहीं कैसे जानते हो भाई। साइन बी प्लस सी है ये, साइन बी प्लस सी। अब ये तो आप पहले से जानते हैं, नहीं जानते, चलो हम एक चीज़ समझाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दिया जाए तो 180 होगा, और यहाँ पे b प्लस सी है, तो आप बोल सकते हैं कि b प्लस सी के जगह पे हम लिखेंगे 180 माइनस a। लिखते हैं तो k गुने और साइन b प्लस सी की जगह पे, तो लिख दो 180 माइनस a, और k गुने 180 पे तो नहीं है बदलाएगा, साइन a रह जाएगा। और अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी मालूम है तो इसको क्या बोलते हैं, ए। देखो ए क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, यही तो था। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर, मतलब राइट हैंड साइड प्रूव हुआ। तो आठवां नंबर में अगर नहीं भी प्रूफ करते हैं तो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन रहा बात कि अपने आप को हम आपके सामने छोटा नहीं दिखना चाहते हैं। आपको ये नहीं लगे कि हट ये सिर्फ भुगते रहता है, कुछ बनाता बनाता नहीं है, हम साबित कर दिए। अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। आगे के दोनों प्रॉब्लम आपसे अगर प्रूफ हो जाएगा तो वीडियो को रोकिए और तुरंत कमेंट करके बोलिए कि हाँ सर बन जाएगा, मतलब हाँ दो फार्मूला साबित हो जाएगा, यस सर हम प्रूफ कर लेंगे, हाँ सर हम साबित कर लेंगे, कुछ तो कमेंट लिखिए कि हाँ सर समझ में आ गया, आगे के दोनों फार्मूला हम बना लेंगे, या यस सर हम प्रूफ कर लेंगे, यस सर आई कैन प्रूव टू फार्मूलेस, कुछ भी तो कमेंट करो। वीडियो को हम रोक देते हैं, या आप भी रोकिए, हम हट गए हैं, वीडियो को रोक के तुरंत कमेंट कीजिए कि हाँ आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, त्रिभुज ए बी सी में ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू वाट। इसका भी आंसर 0, लेकिन बोलने से तो काम चलेगा नहीं, तो बता देते हैं। ए के जगह पे आप समझते हैं कि के गुने साइन ए लिखा था, और फिर इधर गुना करना है साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी, के मतलब हो गया के गुने साइन बी, और इधर जो गुना करना है वो साइन सी माइनस साइन ए प्लस, जहाँ सी दिखाई दे रहा है वहाँ पे के इंटू साइन सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी गुना करते हैं। चाहो तो आप के से गुना करो या के कॉमन ले लो, वो आपकी मर्जी है। आप के सहित गुना कीजिए या फिर के सब में से निकाल कर आप ये समझना कि हम कॉमन ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है। आप के साथ में गुना करो या के सबसे बाहर निकाल लीजिए, ये समझो। हम गुना करना शुरू किए तो हो गया साइन ए इंटू साइन बी माइनस
साइन सी, चलो साइन ए ही पल लिखते हैं, इंटू साइन सी प्लस इधर भी साइन बी इंटू साइन सी, फिर इसमें गुना करो तो साइन ए इंटू साइन बी, फिर के तो कॉमन हो चुका है, साइन सी से गुना करना, साइन सी टू साइन ए माइनस, उसमें गुना करो तो साइन बी इंटू साइन सी। अब हम हट जाते हैं और एक बार आप अपने नज़रों से इसको काटिए, थोड़ा सा डायलॉग मार दिए, सॉरी ऐसे डायलॉग जल्दी मारते नहीं, आप अपने से काटिए, ठीक है, जो कटता है उसको काट कर देखिए, मतलब जो लग रहा है कि हाँ भाई कटेगा उसको कैंसिल करो। काट दिए, कट गया, अब हम काटना शुरू करते हैं, ध्यान देना, साइन ए साइन बी ऐसे देखना है, कहीं साइन ए साइन बी यहाँ पे हाँ माइनस में है, उसके बाद यहाँ देखना साइन ए साइन सी यहाँ माइनस में है, यहाँ पे साइन ए साइन सी प्लस में है, यहाँ पे साइन बी साइन सी प्लस में, यहाँ पे साइन बी साइन सी माइनस में, तो पूरा कट गया, तो फिर बचा कौची के गुने जीरो, अब के गुने जीरो मतलब कितना आंसर हो जाएगा, जीरो, इसका आंसर जीरो आएगा। टाइम कितना हुआ 16 मिनट, एक क्वेश्चन और बता देंगे आराम से, क्वेश्चन नंबर 10, 10 में है त्रिभुज ए बी सी में क्या आएगा, टैन ए माइनस डी बटा 2 और गुने में टैन सी बाई 2 बराबर भाट। अच्छा इस तरह के इसी तरह के प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 में था, जब हम कहे थे पिछले वीडियो में, जब पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे तो 6 में कहे थे कि साबित कर देंगे, और 6 में हम प्रूफ भी किए थे, अब वही चीज़ यहाँ पर आ गया उसी तरह से देखो, आपको फॉर्मूला याद होगा तब ने, हम लिखते हैं, याद तो होना चाहिए अगर फार्मूला याद होगा तो, इस तरह से था फार्मूला कि टैन ए माइनस बी बटा 2, तो इधर लिखे थे ए माइनस बी बटा ए प्लस बी अगर कुछ याद हो तो, और फिर लिखे थे कॉट सी बटा 2, और एक फार्मूला इसी तरह से, मान लो टैन बी माइनस सी बटा 2, तो इधर फिर बोले थे बी माइनस सी बटा बी प्लस सी और इंटू कॉट ए बटा 2, एक और फार्मूला लिखे थे कि ए माइनस बी बी माइनस सी नहीं, सी माइनस ए, तो इधर सी माइनस स्मॉल ए बटा सी प्लस ए और इंटू कॉट बी बटा 2, ये सब फार्मूला लिखे थे, इसमें से एक वो फार्मूले का हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे आपको समझाने के लिए, और वो कौन सा, वो ध्यान देना ये वाला, इसको ज़रा ध्यान से समझना, टेन ए माइनस बी बटा 2 बराबर ए माइनस बी बटा ए प्लस बी डॉट, इकॉट को फिर से हम क्या करने वाले, ज़रा ध्यान से देखना, एक बटा इसकॉट को फिर से हम लिखने वाले एक बटा टेन सी बटा 2, और फिर ऐसे होगा कि ए माइनस बी बटा ए प्लस बी बराबर, ये तो खैर जैसे है वैसे है, ये है टैन ए माइनस बी बटा 2, ये तो ठीक है, इधर जो बटा में है उसको यहाँ गुना कर देंगे टैन सी बटा 2। अब ज़रा आप क्वेश्चन देखिए, बनाना बाद में, अब ज़रा जो हम लिखे हैं रेड पेन से
और जो आपके क्वेश्चन में दिया गया, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है नहीं है जी। आप अपने से तुलना कर सकते हैं, हो गया। अब हम क्या आपको बताएं, आप खुद बता सकते हैं कि हाँ सर टेन ए माइनस बी बटा दू है सर, टेन सी बटा दू है सर, उतना बराबर। हाँ तो लिखो ना यार कि ए माइनस बी अब बटा ए प्लस बी, यही आंसर होगा। रही बात की ऑप्शन बता देते, चलो हम किताब देखकर एक बार ऑप्शन भी बता देते हैं कि इस तरह का ऑप्शन कौन है। इसी तरह के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो आज 8, 9, 10 बताएं, बाकी फिर 11, 12, 13 हम आपको आगे भी बता देंगे। 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है आप एक वीडियो में बता देंगे। आज थोड़ा सा कुछ काम है इसलिए लगा कुछ नहीं बताने से अच्छा कि कुछ तो बता दें। इंग्लिश में कहावत है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बाकी अगर क्लास अच्छा लगे तो। हाँ आप लोग ये तो कर सकते हैं, कुछ विद्यार्थी हमको सलाह देता है सर आप शॉर्ट्स बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए, वीडियो वायरल होगा। देखो बाबू मेरा वायरल आप लोग हैं, अगर हम आज 1 से 1000 तक अगर पहुँचे हैं तो वो आप लोगों की देन है, जिसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। आप ही लोग की वजह से ये चैनल इतना कम से कम बढ़ा है कि 1 से 1000 सब्सक्राइबर पहुँच पाया है। हम चाहते हैं कि अगर आप लोग चाहेंगे तो 1000 से क्या ये 1 लाख तक पहुँचेगा। तो हो सके तो आप वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, वही मेरे लिए शॉर्ट्स होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।